हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जांपल्स देखे थे कि कोई आपको अगर कॉम्प्लेक्स दे रखा हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे पता करेंगे और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता करेंगे। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वो वीडियो अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उससे पहला जो वीडियो था, सेकेंड लास्ट जो वीडियो था, उसको अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको मॉलिक्यूल्स को सॉल्व कैसे करना है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी, मेन मेन पॉइंट्स क्या थे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरिटिकल नहीं जाऊँगा, मेन जो आपके पॉइंट्स है या कंसेप्ट है उसको डिस्कस करूँगा। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है काफ़ी हेल्पफुल है, या हम कह सकते हैं ईजी थ्योरी है। बाकी जो थ्योरी है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कंपैरिजन में थोड़ी सी हार्ड है या टिपिकल है। तो जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स ही, वो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मिल जाती है। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। उसका कारण ये है कि उसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी, उसके बाद काफ़ी सारी थ्योरीज और आ गई हैं, जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या लिगेंड फील्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आप कहते हो, वो थ्योरी आ गई जो बहुत ही अच्छे लेवल की थ्योरीज है और उसमें जो लिमिटेशंस बहुत कम है। लिमिटेशंस उनमें भी है लेकिन बहुत कम है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि हम इसको इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी है, तो कुछ कुछ चीज़ें हम इसके बेस पे समझ सकते हैं। अब देखिए, एक एक करके मैंने शॉर्ट में एक तरह से नोट कर दिया है कौन कौन सी लिमिटेशन है, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अब देखिए, पहला पॉइंट है कलर। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या जिसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, वो मैक्सिमम जो है कलरफुल होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलर होते हैं और कई कॉम्प्लेक्स के अलग अलग कलर होते हैं। तो वहाँ पर वो कलर शो क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है कि वो कलर शो कर रहे हैं, लाइट कलर शो कर रहे हैं, इंटेंस कलर शो कर रहे हैं, डार्क शो कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो कलर क्यों शो कर रहे हैं, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कलर क्यों शो कर रहे हैं। तो ये एक उसकी क्या है, लिमिटेशन है, या हम उसको कह सकते हैं ये उसकी क्या है, कमी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं समझा पाई कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो डिफरेंट कलर जो है क्यों शो करते हैं, लाइट कलर क्यों शो करते हैं, डार्क कलर क्यों शो करते हैं, उसका कोई रीज़न वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई। तो ये इसकी एक कमी है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, मेटल ऑर्बिटल। अब देखिए, हमने क्या करा था, कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल NiCl4 2-। तो यहाँ पर हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला था, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3। इसका मतलब क्या हुआ, निकिल मेटल का एक s ऑर्बिटल जो कि 4s है, ठीक है, 3d भरा हुआ है, उसके बाद 4p है, तो एक 4s और तीन 4p ये आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करते हैं। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, sp3। तो यहाँ पर VBT की लिमिटेशन एक ये है कि VBT का जो सारा फोकस है वो किस पे है, मेटल ऑर्बिटल्स पर, मतलब धातु के जो कक्षक है उस पर तो VBT ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, लेकिन लिगेंड के जो ऑर्बिटल हैं उसको उसने नेग्लेक्ट किया है या इग्नोर किया है, या उसको जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी है। इसका मतलब क्या है कि VBT जो है मैक्सिमम मेटल ऑर्बिटल्स की बात करती है, लिगेंड ऑर्बिटल्स की ज़्यादा बात नहीं करती। तो ये भी एक क्या है, इसकी कमी है, ठीक है। नेक्स्ट है इनर ऑब्लिक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। इसके मैंने आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी बताई थी, ये आप जो हैं पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है d2sp3, ठीक है, इन्हीं को हम इनर और आउटर कहते हैं। अब देखिए, इसको जो है क्योंकि ये डी बाहर वाला काम आ रहा है तो इसको हम आउटर ऑर्बिटल बोलते हैं, और इसको हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पूरा नहीं लिखा मैंने, केवल इनर और आउटर लिख दिया है। देखिए, यहाँ पर डी बाहर वाला काम आ रहा है तो आउटर, और यहाँ डी अंदर वाला काम आ रहा है तो इनर। उसके बाद हमने इसको जो और नाम दिए थे, इसको हमने दिया था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और इसको हमने नाम दिया था लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
इसको हमने कहा था स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, इसको हमने कहा था स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो sp3d2 जो है यहां बाहर वाला डी काम आ रहा है, यहां अंदर वाला डी काम आ रहा है। तो ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, पिछले वीडियो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहां पर vbt जो है, देखिए दो चीजें होती है, इसको आप दोनों में डिफरेंस समझ जाना। एक तो ये होता है कि आंसर क्या होगा, समझा रही बात, एक तो है आंसर क्या होगा, लेकिन दूसरी बात क्या है कि ये जो आपका आंसर आया है ये क्यों आया है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि देखिए आप क्या सोच रहे होंगे कि हमने कॉम्प्लेक्स को सॉल्व किया था और हमने ये निकाला था कि sp3d2 कब होगा और d2sp3 कब होगा। देखिए हमने आंसर निकाल लिया था, मतलब हम ये तो निकाल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, लेकिन क्यों होगा वो हमें पता नहीं है। और देखिए जो मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था वो हाइब्रिडाइजेशन का बताया था। अब vbt क्या करता है, एक्चुअल में देखा जाए तो vbt डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स पहले नहीं निकाल पाता, उसने क्या करा, उसने कॉम्प्लेक्स लिए और एक्सपेरिमेंटल मेथड से, एक गॉय बैलेंस होता है उससे उसने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, ठीक है, जो आपके म्यू मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, यहां लिख देता हूं बीच में। ये देखिए वीबीटी ने करा क्या है, वीबीटी ने क्या करा, कॉम्प्लेक्स लिया और एक आपके मेथड होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, गॉय बैलेंस जो होता है वो लिया और उससे उसने कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंट निकाले। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के बाद फॉर्मूला आपको पता ही होता है इसका क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू रूट एन एन प्लस टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से इसका आंसर आ गया। तो उसने क्या करा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या करा कि कॉम्प्लेक्स लिया, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया एक्सपेरिमेंटली। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के बाद आप उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन से आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाना है या नहीं करवाना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिक जो था, आधार था, जो बेस था, वो ये था कि वो कोई कॉम्प्लेक्स लेता, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेता, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने से अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल जाते, ये एक्सपेरिमेंटली होता, ठीक है, और उसके बाद फिर वो क्या करता, ये आंसर निकाल लेता। लेकिन अगर उससे कोई डायरेक्ट पूछे कि ये कॉम्प्लेक्स है इसको सॉल्व करो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, तो वो डायरेक्ट नहीं बता सकता। उसने क्या करा, पहले एक्सपेरिमेंट करा, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर आंसर बताया कि ये होगा। तो देखिए मैंने आपसे अभी भी कहा था कि एक तो होता है आंसर निकालना और एक होता है उसका एक्सप्लेनेशन। देखिए नाम में ही क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका मतलब क्या है कि थ्योरी का मतलब क्या है कि जो आंसर आ रहे हैं एक्सपेरिमेंटली आंसर आ रहे हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है, उसको आपको समझाना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, उसको हम थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं समझा पाया कि कब तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये भी क्या है, लिमिटेशन है। ये क्या करता था, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देता था एक्सपेरिमेंटली। तो ये इसकी क्या है, एक कमी है। अब देखिए यहां पर एक चीज है कि चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो या हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो या d2sp3 हो, स्ट्रक्चर सेम रहती है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है या मैग्नेटिक बिहेवियर है वो सेम नहीं रहता। नेक्स्ट आपके हो गया, देखिए कलर हो गया, ऑर्बिटल हो गए, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है शेप। अब देखिए ये इसके जैसा ही है, जैसे वीबीटी ये नहीं समझा पाई कि sp3d2 तो कब बनेगा और d2sp3 कब बनेगा, वो क्या करा, उसने मैग्नेटिक मोमेंट से आंसर निकाल लिया। सेम यहां पर बात आती है शेप की। अब देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है, तो दो पॉसिबिलिटी होती है हाइब्रिडाइजेशन की, या तो होता है sp3 और यह होता है dsp2, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, इसकी स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो अब यहां पर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, अच्छे से लिख देता हूं मैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो देखिए यहां पर उसमें तो क्या था, sp3d2 हो या d2sp3 हो, स्ट्रक्चर सेम था, लेकिन यहां पर क्या है,
sp3 और dsp2 की स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसकी तो है टेट्राहेड्रल और इसकी है स्क्वायर प्लेनर। तो जैसे VBT ये नहीं बता पाई कि कब तो sp3 d2 बनेगा और कब d2 sp3 बनेगा, सेम VBT ये भी नहीं बता पाई कि कब तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और कब dsp2 होगा। वो क्या करती, मैग्नेटिक मोमेंट निकालती, उसके हिसाब से आंसर बता देती कि पेयरिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट अगर कोई VBT को बोले कि इसको एक्सप्लेन करो कि कब तो sp3 बनेगा और कब dsp2 बनेगा, तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो गई, अलग अलग हो गई। इसका मतलब VBT आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कब तो पेयरिंग हो रही है और कब पेयरिंग नहीं हो रही है और ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो क्या करा, डायरेक्ट पढ़ लिया फ्लो चार्ट, लेकिन ऐसा क्यों कि 3D में तो आपको पेयरिंग नहीं करवानी है और 4D 5D में करवानी है, या ऑक्सीडेशन स्टेट है तो करवानी है, नहीं तो नहीं करवानी है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, या फिर हमने कहा इन लिगेंड पे पेयरिंग हो सकती है और इन लिगेंड पे पेयरिंग नहीं हो सकती। तो ये तो हमने डायरेक्ट आंसर पढ़ लिए, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है या इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है, ये VBT के पास इसका कोई आंसर नहीं है। काफ़ी हद तक जो आंसर है वो CFT ने दिए फिर, ठीक है। अभी हमारे सिलेबस में CFT नहीं है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर सिलेबस में होती तो मैं आपको एक्सप्लेन करता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपके एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए सारे पॉइंट मिलते जुलते हैं, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सारे पॉइंट क्या हैं, कोरिलेटेड है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब देखिए आप कहेंगे कि अभी तो आपने कहा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे निकाला। देखिए एक तो होता है थ्योरेटिकली या कैलकुलेटेड हम कह सकते हैं कि भाई मैंने आपको कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखा और उस फॉर्मूले को देख के आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लें। एक दूसरा तरीका है कि आपने कॉम्प्लेक्स लिया और एक्सपेरिमेंटली आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं। तो VBT क्या करती है कि एक्सपेरिमेंटली गॉय वैलेंस से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेती है, उससे अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है और उससे फिर आंसर निकाल लेती है कि इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन ये होगा, स्ट्रक्चर ये होगा। लेकिन अगर कोई इसको डायरेक्ट पूछे कि ये कॉम्प्लेक्स है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो वो डायरेक्ट आंसर बताने में सक्षम नहीं है। मतलब वो डायरेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बता सकती कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा या इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। उसने क्या करा, एक्सपेरिमेंटली निकाला। तो देखिए यहाँ पर थ्योरी का काम क्या है कि चलो एक्सपेरिमेंटली उसने पता कर भी लिया, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये आएगी या इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन इतने आने चाहिए, वो VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मतलब एक्सपेरिमेंटली तो आंसर निकाल लिया लेकिन उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, थ्योरी का मतलब ये है कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा आ रहा है या जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहा है उसको वो कैसे जस्टिफाई करता है। तो VBT की जो है स्टार्टिंग वाली थ्योरी थी, लेकिन काफ़ी सिंपल थी, लेकिन उसमें काफ़ी सारी क्या थी, कमियाँ थी। तो ये 5 कमी हमने पढ़ी है, आगे हम और देखते हैं। अब देखिए VBT की लिमिटेशंस की हम बात करें तो देखिए लिमिटेशंस की कोई मतलब लिमिट नहीं है या काफ़ी सारी हम कह सकते हैं। तो जो मेन मेन लिमिटेशंस थी वो मैंने यहाँ पर कंसिडर की है, 5 हमने पढ़ लिए, 3 और है। बुक्स में आप देखेंगे तो आपको कहीं पर 10 से कहीं पर 12 या मिल जाएगी। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने उसी को कंसिडर किया है, बाकी आप पढ़ने को पूरा पढ़ सकते हैं। अब देखिए 5 हमने पढ़ ली, 6 यहाँ पर दे रखा है डिस्टॉर्शन। अब ये डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, डिस्टॉर्शन का मतलब हिंदी में कहते हैं विकृति। अब ये विकृति का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं अगर बात करूँ ऑक्टाहेड्रल की, किसकी बात करूँ, ऑक्टाहेड्रल हिंदी में कहते हैं अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ये जैसे आपने बनाया वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर है, और फिर मैंने यहाँ पर ये रख दिया। तो यहाँ पर आपके 6 डायरेक्शन में 6 बॉन्ड हो गए कॉम्प्लेक्स के, ऐसे समझ लीजिए कि सेंटर में मेटल है और यहाँ पर 6 लिगेंड हैं, कैसे, आगे पीछे ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट, बात समझ आ गई। तो 6 डायरेक्शन में हो गए। अब इसका नाम अष्टफलकीय क्यों पड़ा, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, फलक को हम इंग्लिश में कहते हैं सरफेस, अष्ट का मतलब होता 8, मतलब 8 सरफेस वाला, 8 सरफेसेज हैं या 8 फेसेस हैं। कैसे, जब आप इसको कवर करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 ऊपर हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4, तो टोटल 8 फेस होती है। अब यहाँ पर अगर ये सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, मतलब ये 6 की 6 बॉन्ड लेंथ क्या है, बराबर है, तो ये होता है रेगुलर स्ट्रक्चर या हम आइडियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, बॉन्ड लेंथ जो है, जैसे 6 में से क्या कर दूँ, बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा कर दूँ, कहने का मतलब कि इन चारों की बॉन्ड लेंथ तो सेम है लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ में क्या करूँ, थोड़ी सी बढ़ा दूँ, हालांकि देखिए आपको पूरा ही लग रहा है लेकिन थोड़ी सी मैंने मान लो बढ़ा दी, तो ये आपके इलोंगेटेड फॉर्म कहलाती है।
क्या कहलाती है, इलॉन्गेटेड फॉर्म। मतलब आपने क्या करा, बॉन्ड को इलॉन्गेट कर दिया, मतलब बढ़ा दिया जेड एक्सिस पे, मान लीजिए जेड एक्सिस है तो वहां पर हम उसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स तो रेगुलर स्ट्रक्चर वाले होते हैं, रेगुलर स्ट्रक्चर का मतलब आइडियल तो बॉन्ड एंगल और आइडियल बॉन्ड लेंथ, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड होते हैं, मतलब सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती है, कुछ बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है और कुछ बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, तो उनको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। तो वीबीटी ये नहीं समझा पाया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स तो रेगुलर होना चाहिए और कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो डिस्टॉर्टेड होना चाहिए। या मान लीजिए मैंने कोई दो कॉम्प्लेक्स लिख दिए और ये कहा कि ये तो रेगुलर है और ये डिस्टॉर्टेड है, तो वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये तो रेगुलर है स्ट्रक्चर तो क्यों है और ये स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड है तो क्यों है। बाद में जो है उसको जॉन टेलर ने समझाया, तो इसलिए हम उसका नाम क्या पढ़ते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बात समझ रही है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स तो डिस्टॉर्टेड होगा और कौन सा नहीं होगा, ये जॉन टेलर ने समझाया, इसलिए हमने क्या नाम दिया, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो ये भी क्या एक कमी है वीबीटी की। नेक्स्ट की बात करें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ Cu2+ एंड Co2+, Cu2+ और Cu2+। देखिए काफ़ी मतलब अच्छा पॉइंट है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इसको देखना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि इसकी थ्योरी क्या है। अभी मैंने आपको पिछला पॉइंट बताया था कि कब तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब आउटर ऑर्बिटल बनेगा, तो मैं थोड़ा सा वापस लिख देता हूँ यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा ये तो है sp3, जैसे मैंने कहा कि ये तो है sp3d2 और ये है d2sp3, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या कहती है कि यहां पर तो बाहर वाला d काम आ रहा है और यहां अंदर वाला d काम आ रहा है, मतलब यहां पर d के जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर है और यहां पर जो d के इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, बाहर है। तो यहां पर वो ये कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर है तो ये आपके कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स होता है, क्या कहते होता है, कोवेलेंट, और यहां पर d के इलेक्ट्रॉन बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। आयनिक का मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है डी में वो बाहर की साइड है, मतलब न्यूक्लियस से या नाभिक से क्या है, दूर हैं, तो उनको एक्साइट करके उनको इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, तो वो क्या कह जाएंगे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। तो वो क्या कहा कि ये आयनिक नेचर के और ये कोवेलेंट नेचर के, इसी से मिलता जुलता ये पॉइंट है। अब देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, जब इन कॉम्प्लेक्स की स्टडी की गई, किसकी, कॉपर की और कोबाल्ट की, तो मैं यहां बता देता हूं, कॉपर 2+ और कोबाल्ट 2+। तो जब कॉपर 2+ की बात हम करते हैं तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आती है D9, ठीक है, और यहां पर जब हम बात करते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है D7। अब आपको अगर ध्यान हो तो मैं बार बार आपसे एक लाइन रिपीट करता था कि आपको पेयरिंग करवानी है अगर फायदा हो तो। अब यहाँ पर जो दोनों में मेन डिफरेंस है वो ये है कि हम यहाँ पर जो कॉपर के कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, और जब हम कोबाल्ट की बात कर रहे हैं तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। तो अब इससे होगा क्या, तो अगर मैं एक बार सिंपल कॉन्फिगरेशन लिखूं तो ये ऐसे आएगी, ठीक है, ये D9 हो गई, सिंपल बता रहा हूं मैं, और D7 जो है वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर मेन रीजन ये है कि जब आप इनकी स्ट्रक्चर को समझा रहे हो, किसको समझा रहे हो, स्ट्रक्चर को, तो कंक्लूजन क्या आ रहा है, कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है वो आपके क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, क्या है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मानते हैं, DSP2, क्या मानते हैं, DSP2, बात समझ में आ गई। तो DSP2 जब हमने माना तो उसमें हुआ क्या, जब हमने DSP2 माना तो क्या करा, हमको एक डी खाली चाहिए। अब क्योंकि स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर आ रही है मतलब एक डी खाली होगा, तो हमने क्या करा,
ये एक इलेक्ट्रॉन को हमने आगे एक्साइट कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करा, आगे एक्साइट कर दिया। और सेम केस कोबाल्ट 2 प्लस के साथ आया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, D2SP3, क्या आ रहा है, D2SP3। तो यहां भी हमें क्या चाहिए, 2D खाली चाहिए। अब 2D खाली चाहिए तो आप देखोगे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहां पर 7 हैं। तो क्या करा इसने, एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया। अब देखिए दोनों में क्या है, सेम चीज क्या है कि यहां पर भी आपको पेयरिंग करवानी थी और यहां पर भी आपको पेयरिंग करवानी थी, लेकिन हमने जो पढ़ा था कि यहां पर आपको 1D खाली चाहिए, लेकिन अगर आप सिंपल देखते तो यहां पर आपको 1D खाली नहीं मिलता, और यहां भी आप देखते तो आपको 2D खाली नहीं मिलते। तो हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इसका आगे एक्साइट करा दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसका आगे एक्साइट करा दिया। तो इससे जो इसकी जो स्ट्रक्चर थी स्क्वायर प्लेनर वो हमने सेटिस्फाई कर दी, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था D2SP3, स्ट्रक्चर की तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में ऑक्टेटल होता है, ये हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब इससे हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चला गया और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आगे की तरफ चला गया, मतलब नाभिक से क्या चला गया, दूर चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला गया तो उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो गया, कम हो गया, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो गया। इसका मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसान है, बहुत कम एनर्जी से आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। और जब कोई कॉम्प्लेक्स या कोई भी स्पीसीज या कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, या हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण, क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। और वो किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो व्यवहार किसकी तरह कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब हम हिंदी में कहते हैं अपचायक की तरह। तो यहां पर क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए था कि ये दोनों ही क्या होने चाहिए थे, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। कोबाल्ट तो रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो इसके पीछे जो रीजन है या इसके पीछे जो लॉजिक है या एक्सप्लेनेशन है वो VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों की कंडीशन लगभग सेम ही है, दोनों में इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कोबाल्ट तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन कॉपर नहीं है, तो ये भी एक क्या है, इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन बाद में आया लेकिन वो VBT के अंदर नहीं है। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है स्पेक्ट्रा। अब देखिए स्पेक्ट्रा जो है वो लगभग कलर वाले पॉइंट से मिलता है। अब देखिए होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स हैं वो अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रा शो करते हैं, जिसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होते हैं इनका अलग ही पैटर्न होता है। तो यहाँ पर VBT ये नहीं समझा पाई कि जो कॉम्प्लेक्स हैं वो स्पेक्ट्रा क्यों शो कर रहे हैं, या अगर वो शो भी कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसा स्पेक्ट्रा क्यों आया। तो ये भी क्या है, एक VBT की कमी है कि वो स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कलर और स्पेक्ट्रा लगभग सेम है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर VBT स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो कॉम्प्लेक्स है वो अलग अलग पैटर्न के स्पेक्ट्रा क्यों शो कर रहे हैं। तो देखिए काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, जो मेन जो मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थी 8, वो मैंने आपको बता दिए। ऐसा नहीं है कि 8 के अलावा और लिमिटेशन नहीं है, हो सकती हैं, लेकिन जो मेन थी वो मैंने आपको यहाँ पर कवर कर दी है। तो ये आपके हो गया लिमिटेशंस ऑफ VBT। अब देखिए ये जो आपके कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इसमें आपके दो टॉपिक बच रहे हैं बस, एक आपके केलेट कंपाउंड वाला बच रहा है और एक आपके बच रहा है आइसोमेरिज्म वाला। तो पहले मैं आइसोमेरिज्म आपको कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद जो किलेशन वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो आपका ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये आपके कंप्लीट हो जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके हर एग्जाम में, चाहे वो आपके डिग्री का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो मैंने आपको VBT वाला बताया है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कॉम्प्लेक्स का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन या अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो, और अगर मान लीजिए आपको सिंपल मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको उसके वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।